एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में। किंगडम एनिमेलिया के का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है कि ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये मल्टीसेल्युलर होते हैं और इसका जो सेल होता है वो लैक करता है सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर, यानी कि ये अपने फूड के लिए या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली खाने प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, या फिर स्टोर कर लेता है फूड को और ग्लाइकोजन की या फिर फैट के फॉर्म में ये स्टोर करता है, ठीक है। इनका जो डाइजेशन होता है वो इंटरनली होता है, ठीक है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, यानी कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होरोजोइक होता है, यानी कि इंजेस्ट करते हैं, इंजेशन ऑफ द फूड से होता है। आगे चल के अब तो खैर पढ़ना नहीं है डाइजेशन में आपको होरोजोइक के बारे में डिटेल में पढ़ना था, लेकिन आप बस यहाँ पे इतना याद रखो कि किंगडम एनिमेलिया का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होरोजोइक होता है। दे फॉलो अ डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न, इसके अंदर जो ग्रोथ का पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। एंड ग्रो इंटू एडल्ट डैट हैव अ डिफरेंट शेप एंड साइज, यानी कि डायरेक्टली कुछ ज़्यादा इसमें टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं है, सीधे ये बड़े हो जाते हैं, ठीक है। हायर फॉर्म शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमीटर मैकेनिज्म, आगे चल के यानी कि इसी में एनिमेलिया ग्रुप में भी हम लोग भी आते हैं, तो हम लोग में क्या है कि जो सेंसरी ऑर्गेन है, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म हम लोग में बहुत ज़्यादा डेवलप है, लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि लोकोमोशन करते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मुझे आप लोगों से पूछना है, आप मुझे कमेंट करके बताना है इसका आंसर कि लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों में क्या फ़र्क है, लोकोमोशन किसे कहते हैं और मूवमेंट किसे कहते हैं। तो देखते हैं कितने लोगों को सही आंसर पता है और कौन सबसे पहले आंसर करता है। इसके अलावा देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस बाई कोपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाई एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एनिमिलिया के अंदर अगर, तो वो मेल और फीमेल के कोपुलेशन की वजह से होगा। और साइलेंट फीचर्स इस फाइला के बहुत सारे हैं जो कि हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे किंगडम एनिमिलिया में। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हमारा वायरस, वायरवाइट्स और प्रायोन और लाइकेन के बारे में होने वाला है। तो ये हमारा पार्ट 6 था, अगला जो वीडियो होगा पार्ट 7 वो हमारा वायरस के बारे में होगा। थैंक यू।